गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी पहली टॉपिक के रूप में लिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मींस इसका अर्थ क्या है? टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट altering its sense. Insert इसी को insert transformation means to change the form. Really, insert जो हमको समझना है transform क्या है, transformation means to change the form. एक form से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, जैसे हम अफर्मेटिव एज वी टेक एग्जांपल फॉर अफर्मेटिव ही रीड्स अ नावल ही डज नॉट रीड अ नावल, हाँ इट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ निगेटिव ऑफ ही रीड्स अ नावल का ये ट्रांसफॉर्म क्या है, निगेटिव फॉर्म है ही डज नॉट रीड अ नावल। सच एच, आइए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर यहाँ देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो एज वी हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, टू ट्रांसलेट A sentence is to change it from one grammatical form to another without altering its sense. अब डिफरेंस मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, विभिन्न उदाहरण लेते हैं, कई उदाहरण लेते हैं। फर्स्ट है ए के अंतर्गत हमारा सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। देखें, ध्यान दें, ये हमारी जहाँ उंगली शो कर रही है, फर्स्ट रूल है आपका, ये देखें पेन की ओर, टू इंटू सो दैट, टू को हमको कायम चेंज करना है सो दैट में। सी इज टू वीक टू वर्क, तो आई विल चेंज इट इन यूज ऑफ सो दैट। तो सी इज सो, हेयर इज टू, वी विल पुट देयर सो, सी इज सो वीक दैट, सेकेंड क्लास को हम दैट से जोड़ देंगे, that she cannot work. Students, here will give their attention. If our sentence is positive, then we will not use not. If our sentence is negative sense, then we will use not, after, can, could, or any other helping verb such as do, does. सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग देखें, ही इज टू प्राउड टू बेग, ही इज सो प्राउड, सेम इन प्लेस ऑफ टू वी यूज सो, ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट बेग। इसी की जस्ट नीचे आप देखें नोट लगा हुआ है, नोट, दैट क्लास में नॉट का प्रयोग प्रायः कैन या कुड के साथ किया जाता है, के यहाँ देखें का है, इसको के करें, के साथ किया जाता है,
पर नॉट का प्रयोग बिल वुड डू डज आज सहायक क्रियाओं के साथ भी किया जाता है। हाँ, इसे ध्यान दें। ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनी वन, लिसन टू एनी वन। हाँ, हम इसे चेंज करेंगे। ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट लिसन टू एनी वन, दैट इज सो प्राउड। सेकेंड सेंटेंस में क्या किए, ही डज नॉट लिसन टू एनी वन। इसे हम सेकेंड दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट लिसन टू एनी वन। हाँ, वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किए, हाँ सिंपल इंडिफिनिट का प्रयोग किए। हाँ, ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट लिसन टू एनी वन। ये देखिए, स्पष्ट आप देखें जहाँ हमारी कलम है।